कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने प्रेस वार्ता कर भाजपा को अपने निशाने पर लिया और कहा कि भाजपा सरकार सोलन से प्रतिशोध लेना चाह रही है, क्योंकि यहां विधानसभा चुनावों में कांग्रेस विजय रही थी, इसलिए कांग्रेस कार्यकाल में लिखे गए विकासात्मक कार्यों के इतिहास को मिटाने में लगी है। उन्होंने कहा कि मशरूम के एक यूनिट को यहां से शिफ्ट किया जा चुका है, अब कंपोस्ट यूनिट को मंडी शिफ्ट करने का प्रस्ताव है। वहीं जो कांग्रेस सरकार के समय में सोलन वासियों को वन वृत्त कार्यालय का तोहफा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिया था, उसे बंद किया जा रहा है। उन्हें लगता है कि जल्द IPLH के वृत्त कार्यालय को भी बंद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बसों के किराए बढ़ाए गए, बिजली के बिलों में वृद्धि की गई, जिससे पता चलता है कि भाजपा सरकार जन विरोधी कार्य कर रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में खुले कार्यालयों को बंद कर सोलन वासियों से बेहद बेबाक कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक को सोलन की जनता ने विजय बनाया था। उन्होंने कहा कि मशरूम का एक यूनिट मंडी स्थानांतरित कर दिया गया है, अब यूनिट को भी मंडी भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि जिला मंडी का विकास हो, इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सोलन से कार्यालय मंडी स्थानांतरित किए जाएं, ये सोलन वासियों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि हद तो ये है कि भाजपा नेता और स्थायी मंत्री जो अपने आप को किसानों के हितैषी कहते हैं, वे इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस इस मामले पर चुप रहने वाली नहीं है और इसका पुरजोर विरोध करेगी। जब से हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार का गठन हुआ है, तब से इस सरकार का जो रवैया है वो सोलन जिला सोलन के खिलाफ रहा है। इसका जीता जाता उदाहरण है कि कांग्रेस कार्यकाल में दो कार्यालय यहाँ लाए गए थे, खोले गए थे, और दोनों को नया गठन किया गया था। एक तो IPH का सर्कल यहाँ आया था और दूसरा CF फॉरेस्ट वन अरण्यपाल का नया कार्यालय यहाँ खोला गया था। और ऐसा नहीं है कि वो कोई इलेक्शन को देखते हुए खोले गए थे, इलेक्शन से 8-9 महीने पहले ही उनकी घोषणा की गई थी और उसी दौरान वो खोल दिए गए थे। उन्होंने अपना काम सुचारू रूप से शुरू कर दिया था और कोई वो राजनीतिक फैसला नहीं था। यहाँ डिमांड थी, यहाँ ज़रूरत थी, क्योंकि सब जिलों में, सारे जिलों में जितने भी हिमाचल प्रदेश के जिले, लाहौल स्पीति को छोड़कर और किन्नौर को छोड़कर, हर जगह CF के कार्यालय हैं, IPH के सर्कल ऑफिस है। उसी तर्ज पे कांग्रेस सरकार के समय में यहाँ ये दो कार्यालय खोले गए थे। जो कांग्रेस कार्यकाल के जो कार्यालय हैं उनको बंद करना है, उसका कड़ी में ये काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सरकार को ऐसा पक्षपात रवैया नहीं करना चाहिए। अगर सोलन जिला से 3 विधायक कांग्रेस के जीत कर आए हैं, तो मैं समझता हूँ वो लोकतंत्र में लोगों ने अपना विश्वास कांग्रेस पर व्यक्त किया है, उस बात की खुनस भाजपा को नहीं निकालनी चाहिए। इस पर जो ये कार्यालय है, इससे कार्यालय से जो काम है वो आम व्यक्ति का, वन विभाग से आम व्यक्ति का वास्ता पड़ता है। पहले वो नहन के चक्कर काटते रहते थे, कांग्रेस कार्यकाल में इस बात को देखते हुए यहाँ ये कार्यालय खोला गया था। और हैरानी तो ये होती है कि यहाँ जिला से कोई भाजपा का नेता इस बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा। हमारे यहाँ से माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने भी इस बारे में कोई गंभीरता से कोई प्रयास नहीं किया। इससे पूरा उद्यान विभाग द्वारा यहाँ जो मशरूम का कार्यालय था, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1971 से चली आ रही इकाई, जिसके लिए अभी 270 करोड़ रुपया केंद्र से स्वीकृत होकर आया था, उस इकाई को यहाँ से ले जाकर सरगा घाट में खोल दिया गया। और उसके पश्चात जो अब यहाँ थोड़ी बहुत इकाई बची थी उसको भी यहाँ से बंद करके उसको भी यहाँ से मंडी शिफ्ट करने की प्लानिंग बना दी गई। मंडी में विकास हो, हमें कोई तकलीफ नहीं। मंडी में नए कार्यालय खुले, हमें कोई तकलीफ नहीं। हमें तो इस बात की तकलीफ है कि हमारे लोगों, यहाँ के लोगों के हक को क्यों, उनका गला क्यों घुटा जा रहा है। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम प्रार्थना करते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी प्रार्थना करती है कि ये कार्यालय जो वन वृत्त का जो कार्यालय है इसको यहीं रहने दिया जाए, इसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। और जो दूसरा कार्यालय मशरूम का यहाँ से ले जाने की जो उनकी प्लानिंग है उसको तत्काल जनहित में रद्द कर दिया जाए। यहाँ बहुत ग्रोहन है मशरूम, क्योंकि मशरूम यहीं पैदा हुआ और यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोह है। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसी को मद्देनजर रखते ही चंबा घाट सोलन को मशरूम सिटी के नाम से मशहूर किया गया था।